सो हेलो स्टूडेंट्स, तो भेल लेके आया है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स, आपके लिए लेके आया है इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी रिक्रूटमेंट, है ना। अब भेल ने पहले अपने बारे में बताया कि भेल क्या क्या करता है, ठीक है, तो आप वैसे ही जानते हैं। इन्होंने टर्नओवर इनका कितना है, तो 21,579 करोड़ का टर्नओवर था 2021 से 2022 के बीच में, ठीक है ना। और यहाँ पे निकली है सिविल इंजीनियरिंग की 16 पोस्ट निकली है जनरल के लिए, 4 निकली है आपकी इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए, 11 निकली हैं ओबीसी के लिए, 6 निकली हैं आपकी एससी के लिए, 3 निकली हैं एसटी के लिए, तो टोटल 40 निकली हैं, ठीक है। द रिक्वायरमेंट, अच्छा, फॉर प्रोजेक्ट साइट ओनली, प्रोजेक्ट साइट के लिए ही सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट आई हुई है, ओके। और मैकेनिकल की आई है टोटल 30 वैकेंसी, और कंप्यूटर साइंस और आईटी की देख सकते हो आप 20 वैकेंसी है। डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, इलेक्ट्रिकल की 15 वैकेंसी है, केमिकल की 10 हैं, मेटलर्जी की 5 हैं, फाइनेंस और एचआर में भी आई है, मतलब एमबीए वालों के लिए भी आई हुई है वैकेंसी, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात, अब बात कर लें आपको डिग्री क्या क्या मांगा है। तो यहाँ पे अगर आप सिविल मैकेनिकल आईटी इलेक्ट्रिकल केमिकल मेटलर्जी के हैं तो आप इन फुल टाइम इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कहीं कहीं पे 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है तो वो भी चलेगा, डुअल डिग्री प्रोग्राम भी होते हैं कई कई, ठीक है, तो वो भी चलेगी बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ किस में होना चाहिए, ये सारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मतलब ऑथराइज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एज में आ जाते हैं, तो जो लोग जिन्होंने मतलब जो लोग 27 ईयर्स के, जैसे सिर्फ बीटेक किया है, अगर सिर्फ बीटेक किया है तो 27 ईयर्स होगा डेडलाइन आपका, मतलब लास्ट एज जो है, हायर एज जो है वो 27 ईयर्स है। कब से ले रहे हैं ये, 1 सितंबर 2022, मतलब आप 1 सितंबर 1995 के पहले पैदा नहीं हुए होना चाहिए, अगर आप उसके पहले पैदा हुए हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या जिनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट मतलब एमबीए है, उनको 29 ईयर तक की लिमिट दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंस वालों को भी 29 ईयर, क्योंकि उसमें आपको चार्टेड में, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट या बैचलर डिग्री होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट से, इसमें फाइनेंस में, ओके। 29 ईयर मतलब आप 1 सितंबर 1993 के पहले पैदा नहीं हुए होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। एचआर में भी आपको एमबीए बोला है, और एमबीए बात किया है तो मास्टर डिग्री की बात किया है तो 29 ईयर्स दे देता है, तो अगर बैचलर डिग्री है आपके पास तो 27 ईयर, मास्टर डिग्री है तो 29 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो गई है कि अगर आपका पॉइंटर में है फॉर अ 10 पॉइंट स्केल, अगर आपका 10 पॉइंटर स्केल में नापा जाता है अगर आपका जीपीए, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने परसेंटेज के लिए, क्योंकि यहाँ 55% की बात हुई है ना, और ऊपर कोई परसेंट की बात नहीं हुई है, तो आपको अपना जो भी आपका जीपीए होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपका 8 है जीपीए, तो आपके 80%, 7 है तो 70%, लाइक दिस, है ना, जीपीए शुड बी कैंडिडेट 10 पॉइंट, देन मल्टीप्लाइड बाय 10, पहले आपको 10 पॉइंटर में कन्वर्ट करना है, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स हु आर इन द फाइनल ईयर, उनकी क्या बात है, जो लोग फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो लोग फाइनल ईयर में है या सेमेस्टर ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो भी एलिजिबल है, है ना, शेल ऑल्सो भी एलिजिबल, वो भी एलिजिबल है। हाउ एवर इफ शॉर्ट लिस्टेड सच कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग एग्जाम एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और बाय 2 नवंबर 2022 विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। तो अगर आप पास, अगर इसमें आप पास होते हो, मतलब आप बैठ सकते हो, अगर आप फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट हो तो भी आप उसमें बैठ सकते हो, लेकिन आपको 2 नवंबर या अगर इंटरव्यू उसके पहले होता है तो आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी। वैसे जून जुलाई में तो एग्जाम हो जाता है, डिग्री भी आ ही जाती है अगस्त तक, सितंबर तक, तो नवंबर तक तो आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट लिखे हैं, डिसिप्लिन दिखा है, आप देख सकते हो आपको जो डिसिप्लिन हो आपका, है ना। यहाँ पे NIFFT रांची वाला भी, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होती है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, उसको भी इन्होंने माना हुआ है, ठीक है। मतलब ये सारी डिग्री आप ये मान रहे हैं, इन्होंने बोला है कि हम, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप एलिजिबल हो। सिविल वालों के लिए सिर्फ सिविल, केमिकल वालों के लिए सिर्फ केमिकल, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में थोड़ा वेरिएशन होता है, इसलिए इन्होंने सारे डिग्री लिखे हुए हैं उसके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट हमको मिल जाता है कि सर इसका डेट कब से स्टार्ट है। ऑनलाइन फ़ी कितनी है, तो ₹500 है फी। अगर आप जनरल ओबीसी या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हैं तो आपकी फ़ी है ₹500 और प्रोसेसिंग फ़ी जो है 300 प्लस GST है, ठीक है। और अगर आप STSC या फिर फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विस मैन है तो आपको ₹300 और GST ही देना है, ₹500 नहीं देना है, ठीक है। चलिए ये बात है, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन जो डेट ओपन होने वाली है वो 13 सितंबर, आज से 10 बजे ओपन हो गई है, आज 10 बजे ओपन हो गई है। कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, 4 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, 4 अक्टूबर 5 बजे तक। तो 4 अक्टूबर का वेट मत करो, जल्दी भर देना, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, 31 अक्टूबर 2022। 31 को भी हो सकता है, 1 और 2, इन तीनों दिन हो सकता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको एडमिट कार्ड में बता दी जाएगी, ठीक है। अब बात आती है कि सर एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो ये भी मैंने आपको लिए अलग से डाउनलोड किया हुआ एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम जो है वो 2.5 घंटे का होगा, मतलब 150 मिनट का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो टोटल 240 क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब टाइमिंग का खेल होगा बॉस, ठीक है। 120 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से आएंगे, मतलब अगर आप सिविल के हो तो सिविल से, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल से, आईटी, केमिकल, कंप्यूटर जिससे हो गए उसके 120 क्वेश्चन होंगे, या एचआर, फाइनेंस जिसके भी हो गए उसके 120 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है, मतलब टोटल 240 मार्क्स का एग्जाम है आपका, टोटल 240 मार्क्स का एग्जाम है। और 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, मतलब जैसे अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, गलत हुआ तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्या क्या आएगा, 50 मार्क्स का रीजनिंग आएगा, ठीक है, और इंग्लिश आएगी 50 मार्क्स की, और 20 मार्क्स का GK आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके 240 मार्क्स का पूरा पेपर बनता है। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में मैकेनिकल सिविल में बता दिया है कि जैसा AICTC का जो वो रहता है कैरिकुलम, उसी में से पूछा जाएगा, तो एग्जैक्ट कोर्स नहीं बताया गया है, ओके। आप फॉलो कर सकते हो एग्ज़ाम्स को, और पिछले एग्ज़ाम्स को देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का और इंग्लिश का बहुत ही अच्छे से सिलेबस इलेबरेट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि इनके आप सारे टॉपिक कर लो, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लो इन टॉपिक्स के, और आप अपनी ब्रांच के तो क्वेश्चन अच्छे से लगा ही लो, ठीक है। मतलब ये 120 मार्क्स में आप कुछ भी छोड़ के मत जाओ, ठीक है, सब टाइप के क्वेश्चन या शॉर्टकट लगा लो, ठीक है। अब आपको GK में भी क्या बोला, एवरीडे साइंस, जो भी हम दिनचर्या में जो भी साइंस यूज होती है उससे क्वेश्चन आएगा, इंडियन कल्चर से आएगा, हिस्ट्री से आएगा, है ना। अब एकदम बड़े बड़े टॉपिक दे दिया है, बड़े बड़े टॉपिक, ठीक है। तो ये भेल ने निकाली है वैकेंसी, सो आई होप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, और लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।